वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ओके। तो आज से मैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो भाई आज ये सर्वाइवल सीरीज का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। अब देखो यार, सर्वाइव करने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे। प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है क्रिएट न्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है क्रिएट न्यू वर्ल्ड का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे अपने वर्ल्ड का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं अपने वर्ल्ड का नाम लिख देता हूँ चू चा चा मी चू, कुछ भी लिख देते हैं गाइस रैंडम। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे अपने वर्ल्ड का नाम तो दे दिया है, मेरे को क्रिएट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड है वो अभी यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद हमारा जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ओके गाइस, फाइनली हमारा जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देखो, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे सामने गधा है और मैं सोच रहा हूँ इसकी सवारी करते हैं और इसके ऊपर बैठते हैं। भाई अरे बाघ की तरह जाए, बैठ बैठा ले भाई, क्यों सर मार रहा है भाई मेरे से। हाँ ओके, तो बैठ चुका हूँ मैं, अब मेरे को ये घुमाएगा। बट यार ये काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा है भाई, क्या बोलो यार, ये तो मेरे को कल परसों तक पहुंचाएगा अगर मेरे को कुछ भी करना होगा तो। अब देखो यार ये गधा है तो गधे वाली हरकते ही करेगा ना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर से उतर जाता हूँ। फिलहाल गाइस मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है, तो भाई मुझे चाहिए होगी यहाँ पे वुड। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्री देखने को मिल चुका है, तो इसकी जितनी वुड है वो सारी की सारी यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैंने पूरा का पूरा ट्री कट कर लिया और मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो वेपन है वो बना लेता हूँ। तो इस वुड को मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके सारे के सारे मैंने प्लैंक बना लिए। अब मुझे प्लैंक से बनानी है क्राफ्टिंग टेबल, तो यहाँ पे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली है। अब मुझे क्या करना है, कुछ स्टिक्स बनानी पड़ेगी। तो ओके गाइस, मैंने अभी यहाँ पे स्टिक्स भी बना ली है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ वेपन बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्रॉड बना लेते हैं और उसी के साथ यहाँ पे एक एक्स बना ली मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक पिकैक्स भी बना ली है। तो ओके गाइस, अभी मैंने सारे के सारे वेपन बना लिए हैं। फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से तोड़ के हटाते हैं। फिलहाल सामने की साइड मेरे को एक चिकन दिखाई दे रही है, तो इसको मारते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चिकन तो मर चुकी है। फिलहाल यहाँ पे ये गधा क्या कर रहा है यार, ये गधा किस काम में आता है भाई, इसको यहाँ पे वो ज्यादा स्पोन कर दिया है। और यहाँ पे मेरे को एक ट्री मिल चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि यार हमें वुड की काफी ज्यादा जरूरत है, तो हमें ट्री तो कट करने पड़ेंगे। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो ट्री है वो कट कर दिया और मेरे को यहाँ से काफी सारा सामान मिल चुका है, जैसे कुछ एप्पल्स वगैरह मिल चुके हैं यहाँ से। तो ओके गाइस, अभी मेरे को पूरे के पूरे यहाँ पे चार काम करने हैं। पहला मुझे भाई अपना जो वेड है उसको बनाना पड़ेगा। सेकंड मुझे ना जो अपने वेपन है उनको स्टोन में अपग्रेड करना पड़ेगा। थर्ड मुझे अपने फूड का भी इंतजाम करना होगा। और फोर्थ मुझे ना अपना जो विलेज है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो आज की सारी वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चार काम करने हैं मेरे को, जो यार बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफी टाइम लगने वाला है। फिलहाल गाइस हम लोग स्टोन ढूंढते हैं और जो अपने वेपन है उसको स्टोन में अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को स्टोन मिल चुका है, इसको यहाँ से तोड़ते हैं और ये जितने भी यहाँ पे ग्रास है ना इसको सारी की सारी यहाँ से हटा के और जो अपने स्टोन है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैं काफी सारे स्टोन कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ। तो फिलहाल जो अपने वेपन है उनको मैं अपग्रेड कर देता हूँ स्टोन में। तो यहाँ पे रखते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ से अपने जो वेपन है उनको अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैंने सारे के सारे वेपन स्टोन में अपग्रेड कर लिए हैं और मैं सोच रहा हूँ एक फर्नेस भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर और यहाँ पे जो अपना फर्नेस है उसको बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा फर्नेस बन चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे रख और इसको ओपन करके इसके अंदर थोड़ा सा फूड और साथ में थोड़ी सी वुड रख देते हैं और यहाँ पे जो हमारा फूड है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। तो ओके गाइस, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा फूड पड़ा हुआ था, पका के अपनी इन्वेंटरी के अंदर रख लिया है। फिलहाल अपना जो फर्नेस है उसको तोड़ते हैं, साथ में जो क्राफ्टिंग टेबल है उसको भी तोड़ते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे रात होना स्टार्ट हो चुकी है और मेरा अभी तक बेड का इंतजाम नहीं हुआ है और मेरा बेड नहीं बना, तो ये रात मेरे को मुश्किल हो जाएगी काटना। फिलहाल मेरे को यहाँ पे वोल ढूंढना पड़ेगा और मेरे को अभी दूर दूर तक कोई भी वोल नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में जॉम्बीज स्केलेटन वगैरह भी यहाँ पे स्पोन होने स्टार्ट हो जाएंगे और मेरा वेट का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पे ये गुफा है, क्या है इसी के अंदर घुस जाऊं क्या, बट यार ये कुछ नहीं है। वेट, सामने की साइड आप लोग देखो यहाँ पे मेरे को तीन तीन वोल दिखाई दे चुकी है और यहाँ पे ये शायद अभी स्पॉन हुई है। पहले तो इसको मारते हैं और दूसरी वाले को भी मारते हैं यहाँ से, और मेरे पीछे ना भाई क्रीपर वगैरह पड़े हुए हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पे दो दो वोल मिल चुके हैं, भागते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई मेरे पीछे जॉम्बी स्केलेटन और पता नहीं क्या क्या पड़ चुके हैं। और यहाँ पे गाइस मेरे दो ही हार्ट बचे हुए हैं, मेरे को यहाँ से कैसे भी करके भागना पड़ेगा, क्योंकि यार स्केलेटन और जॉम्बीज वगैरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं।
फिलहाल यहाँ से भागते हैं। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे भागते भागते काफी दूर आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एक गुफा बना देते हैं छोटी मोटी और उसके बाद ना आराम से यहीं पे छुप जाते हैं और इसको ना बंद कर देते हैं, इससे कोई एंटर ना कर पाए इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे तो भाई पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है, बाहर से जॉम्बी का साउंड काफी खतरनाक आ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ से ग्रास को हटाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो चुकी है रोशनी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ स्टोन हटा देता हूँ, उसके बाद ना थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा और उसके बाद जो अपना बेड है हम लोग उसको बना पाएंगे। अब देखो यार, मेरे पास ना दो बुल तो अभी जस्ट हो चुके हैं, फिलहाल एक बुल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो अपना जो बेड है उसका इंतजाम तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस हो चुकी है और यहाँ पे रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे जो अपना बेड है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे हमारा जो बेड है वो बन चुका है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्राफ्टिंग टेबल है इसको हटाते हैं। तो यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल हट चुकी है, जो अपना बेड है वो यहाँ पे मैं रख दिया और इसके ऊपर सो जाते हैं। तो ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी हो चुका है दिन, तो यहाँ से जो अपना बेड है इसको हटाते हैं। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस ग्रास को हटाते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपन लोग बाहर की साइड। ओके गाइस, मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। बेट वट, ये साला अभी तक यहीं पे घूम रहा है ये। इसके बाद स्रोट, ये भाई इसने मार भी दिया, यानी कि मेरी हेल्थ काफी कम थी। फिलहाल मैं दोबारा से स्पोन हो चुका हूँ और उसने मेरे को मारा कहाँ पे था ये भी मेरे को नहीं पता। फिलहाल मेरे को देखना पड़ेगा उसने मेरे को कहाँ पे मारा था, क्योंकि मेरी सारी की सारी लूट चली जाएगी और मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ओके गाइस, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे को वो लोकेशन मिल चुकी है और ये चमकांटी अभी भी यहाँ पे पैरा दे रहा है। इसको लग रहा है कि जैसे मैं सामान लेने आऊंगा और ये मेरे को मार देगा, बट ऐसा नहीं है भाई, पिछली बार गलती से मार दिया, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उससे पहले जो अपनी लूट है वो यहाँ पे जितनी भी है ना सारी की सारी कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो मेरी फूड वाली हेल्थ है ना वो काफी कम है, उसको बढ़ा लेते हैं और उसके बाद इसको मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। ओके गाइस, अभी मैं रेडी हूँ उसे लड़ने के लिए। कहाँ पे आजा, आ तू भैया, तेरे को तो भैया नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। अब मैं इसको ना अपने अच्छे से अपने जाल के अंदर फंसा के इसको ऐसा मारूंगा ना, ये भाई कभी लड़ने की सोचेगा ही। देखो मेरे पीछे आ रहा है, फिलहाल मैं इसके ऊपर चढ़ जाता। ओ भाई भाई भाई, भाई मार दिया भाई, तीन हार्ट कम कर दिया भाई इसने मेरे। तो अभी मैं दोबारा से आ चुका हूँ इसको मारने के लिए। आजा 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 बेटा, ये ले दोबारा प्यार से ये ले, आजा आजा ये ले। ओके, तो यहाँ पे ये बंदा फिनिश हो चुका है और इसके पास मेरी स्टोन वाली स्रॉट थी जो मेरे को अब चुकी है और इसने मेरे को वुड वाली दे दी थी। फिलहाल अभी जो फूड है उसका इंतजाम कर लेते हैं, बाकी अपने पास बेड भी हो चुका है और उसी के साथ अपने पास स्टोन के वेपन्स भी हो चुके हैं। तो अपने पास अभी दो चीज कंप्लीट हो चुकी है, अब तीसरी चीज क्या है, फूड की कमी है, तो फूड को भी यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। उससे पहले मेरी जो खाने की हेल्थ है वो कम है, तो यहाँ पे जो एप्पल्स पड़े हुए हैं इनको मैं खा लेता हूँ। तो ओके गाइस, अभी मेरी हेल्थ एकदम फुल हो रखी है और अब चलते हैं फूड का इंतजाम करने के लिए। तो ओके गाइस, अभी मैंने फूड का इंतजाम कर लिया है और अभी रात होने वाली है, तो मैं बेड निकाल के यहाँ पे डालता हूँ और साथ में जो अपना फर्नेस है उसको मैं यहाँ रखता हूँ और फर्नेस के अंदर वुड एंड उसी के साथ फूड भी रख देते हैं और ये पकता रहेगा और मैं सो जाता हूँ। तो ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी दिन हो चुका है और मेरा फर्नेस के अंदर जो खाना है वो ही पका है, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी एक ही यहाँ पे पका हुआ है, तो ओके मैं इसको खा लेता हूँ। तो ओके गाइस, अभी मेरा सारा का सारा फूड पक चुका है, तो यहाँ पे फर्नेस को तोड़ के मैंने हटा दिया और अब मैं अपने बेड को भी तोड़ देता हूँ और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। हमें विलेज को ढूंढना है, तो विलेज ढूंढने के लिए मैं सोच रहा हूँ पानी के रास्ते चलते हैं, क्योंकि भाई ये सबसे आसान रास्ता है और यहाँ से जो अपना विलेज है वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ढूंढता रहूंगा रैंडमली तो शायद मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी के रास्ते से ढूंढूंगा तो जल्दी मिल जाएगा मेरे को विलेज। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे अगर पैदल पैदल जाऊंगा तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा विलेज को ढूंढने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बोट बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग इजिली विलेज को ढूंढ पाएंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं और यहाँ पे जो बोट है उसको बना लेते हैं। तो ओके गाइस, फाइनली हमारी बोट बन चुकी है और मैं क्या करता हूँ इस पानी के अंदर इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे जो हमारी क्राफ्टिंग टेबल है इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं और जो अपनी बोट है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ओके गाइस, मैं अपनी बोट के ऊपर बैठ चुका हूँ। वेट, इसके ऊपर कोई जॉम्बी वगैरह बैठ चुका है, सबसे पहले इसको मारते हैं एंड उसके बाद अपनी बोट को लेके यहाँ से निकलते हैं विलेज ढूंढने के लिए। और ये ओके, ये बैठे बैठे यहाँ पे मर चुका है, तो फिलहाल मैं अपनी बोट के ऊपर बैठता हूँ दोबारा से और यहाँ से चलते हैं विलेज ढूंढने के लिए। तो ओके गाइस, 1 से 2 घंटे ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को विलेज मिल चुका है, जो आप लोग सामने की साइड देख रहे हो। और सही बोल रहा हूँ, अगर मैं पानी का रास्ता चूज नहीं करता तो शायद मेरे को इस विलेज को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। फिलहाल हम लोग जो अपनी बोट है वो यहाँ पे लगाते हैं और बोट से यहाँ से उतरते हैं और जो अपनी बोट है उसको यहाँ से तोड़ के अपने इन्वेंटरी के अंदर रख लेते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखो विलेज काफी ज्यादा मस्त है
और वेट, यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे काफी सारी बिल्ली है, आप लोग सामने देखो दो दो बिल्ली है और भी काफी सारी बिल्ली है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बिल्ली को तो अपना दोस्त बनाते हैं, यहाँ पे बिल्ली को दोस्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगी फिश यानी कि मछली। तो वो मछली हमें मिलेगी इस पानी के अंदर, तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा मछली किधर है। लाल मेरे को नीचे की साइड ये मछली दिखाई दे चुकी है दो जाते हुए, बट यार ये यार बहुत तेजाई से भाग रही है और मेरे को नहीं मिल पाई, बट कोई नहीं, मेरे को पानी के अंदर संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सामने की साइड देखो भाई जॉम्बी या कुछ है वो मारता है भाई, ऐसे त्रिशूल टाइप का कुछ मारता है। तो ओके गाइस, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली हमें मछली मिल चुकी है, तो इनको मारते हैं। तो ओके गाइस, अभी मेरे को दो मछली मिल चुकी है और मैं आ चुका हूँ बिल्ली के पास, बट यार इन बिल्ली को भाई दोस्त बनाना इतना आसान भी नहीं है, ये भाई भागती बहुत है। तो फिलहाल मेरे को इनको ना सही तरीके से एक फिश दिखा के इनको अपने पास बुलाना पड़ेगा और उसके बाद अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। तो ओके गाइस, फाइनली इस बिल्ली ने मेरे को काफी ज्यादा दौड़ाने के बाद फाइनली ये मेरा दोस्त बन चुकी है, और यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरे पीछे पीछे आएगी। फिलहाल अब मैं सोच रहा हूँ जो हमारा विलेज है उसको मैं लूट लेता हूँ, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो लूट मिल ही जाएगी। फिलहाल इस वाले घर के अंदर चलते हैं, कुछ तो मिलेगा, बट यार इस घर के अंदर बेड के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ओके गाइस, मैं दूसरे घर के अंदर आ चुका हूँ और इसके अंदर भी एक बेड पड़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं इस ऊंचे वाले घर के अंदर, शायद इसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाए, बट इसके अंदर तो बेड भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इस घर के अंदर। और सामने वाला घर यहाँ पे एक और दिखाई दिया, इसके अंदर आ गए और इसके अंदर भी भाई कुछ भी नहीं है, और फिलहाल इस घर के अंदर भी कुछ नहीं है। ओके गाइस, मैंने पूरे का पूरा विलेज ढूंढा और मुझे भाई थोड़ा सा भी सामान नहीं मिला है, और ये जो विलेज है ना ये गरीबों का विलेज है, इसीलिए इसके अंदर मेरे को कुछ भी सामान नहीं मिला। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना। और हाँ, उसी के साथ अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आ जाए, तो आप लोग इस वाली वीडियो के अंदर 50 लाइक्स एंड उसी के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर स्पैम कर दो पार्ट 2, तो जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।